सर्जिकल स्ट्राइक के दो साल पूरे होने पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सितंबर 2016 की यह घटना, आपको बता दें 29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ा यह वीडियो है, कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे, जब सेना ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर सेना ने आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। सेना ने पीओके में घुसकर आतंकियों को मारा था और उससे जुड़ा यह वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर यह वीडियो सामने आया है। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, करीब दो साल हो चुके हैं और अब ऐसे में एक बार फिर से वीडियो जारी किया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर यह वीडियो सामने आया है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ा यह वीडियो, वो तस्वीरें। तो सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना जिसने पाकिस्तान को बहुत चोट पहुंचाई थी, जब हमारे जांबाजों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को नस्तनाबूद कर दिया था। और जो वीडियो जारी किया गया है, जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाएं। उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। 28-29 सितंबर 2016 की रात पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कैसे हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, ये पूरा ऑपरेशन वो हम आपको बता रहे हैं। 5 आतंकी कैंपों पर हमला किया गया, तबाह किया गया और कुछ इस तरह से कि किसी को इसकी कानो कान भनक नहीं लगी। 38 से 40 आतंकियों को ढेर कर सेना वापस भारतीय सीमा में लौट आई थी और रात 12:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये ऑपरेशन चला था, जिसे बहुत ही गोपनीय तरीके से सेना ने अंजाम दिया था। और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ को बकायदा जानकारी दी गई थी और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में उन्हें यह कहा गया था कि आतंकियों की लाश उठाकर वहां से ले जाएं। पाकिस्तानी डीजीएमओ को 2004 का वादा याद दिलाया गया था तब। तो सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी यह बड़ी खबर है, एक नया वीडियो, एक नई तस्वीर सामने आई है। 2 साल हो गए सर्जिकल स्ट्राइक को और उसके बाद यह वीडियो जारी किया गया है। सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर किस तरह की राजनीति हुई थी, इसको लेकर कुछ सवाल भी खड़े कर दिए गए थे, यानी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल हुए थे। और ऐसे में जाहिर तौर पर जो ये वीडियो है, जो तस्वीरें हैं, ये एक और सबूत है। सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, बहुत ही सफाई के साथ इस ऑपरेशन को संचालित किया गया था, किसी को कानो कान भनक नहीं लगी थी। आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड तब तबाह कर दिए गए थे। ये नई तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे आखिर किस तरह से सफाई के साथ इसे अंजाम दिया गया, बहुत ही सुनियोजित तरीके से। ये कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आप कुछ लोगों को देख पा रहे होंगे, वहां पर कुछ इस तरह की चहल पहल नजर आ रही है। अलग अलग अब 4 तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए टेररिस्ट लॉन्च पैड जो लिखा गया है वहां पर, यानी आतंकियों का यह वो ठिकाना जहां से दहशतगर्द भारत की सरहद में दाखिल हो जाते थे, एलओसी को पार करके, और फिर हिंदुस्तान में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते थे। और तब देखिए आप किस तरीके से इन्हें मार गिराया गया था। हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, अब नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये 4 तस्वीर आपके सामने, ये आतंकियों के ठिकाने पाकिस्तानी सीमा में, पाक अधिकृत कश्मीर में। और नीरज राजपूत इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। नीरज, जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइए, जो कुछ नजर आ रहा है क्या इसे समझा जाए? देखिए अखिलेश, ये बात तो दुनिया जानती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान के खिलाफ हुई, भारतीय सेना ने की, स्पेशल फोर्स के कमांडर ने की। और जो सबूत, जो तस्वीरें जो सामने आती हैं, वो दरअसल सबूत हैं इस बात को दर्शाने के लिए, पाकिस्तान को बताने के लिए, जो पाकिस्तान इस बात को नकारता रहता है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई चीज हुई ही नहीं थी। तो उसी के लिए ये सबूत है, दिखाने के लिए कि ये जो पाकिस्तानी सीमा में घुसकर एलओसी पार करके भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की थी आतंकियों के लॉन्चमेंट के खिलाफ। नीरज, इसमें एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें लिखा हुआ दिख रहा है हमें टेररिस्ट लॉन्च पैड। साफ तौर पर ऐसा लगता है कि उन्हीं जो लॉन्च पैड्स थे आतंकियों के, उन्हें निशाना बनाया गया था तब और उसे निस्तनाबूद कर दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, जो 5 ठिकाने थे आतंकियों के जहां पर ये कार्रवाई की गई, टोटल 7 लॉन्च पैड थे जहां पर निशाना बनाया गया। 5 ठिकाने, 7 लॉन्च पैड थे जहां पर करीब 35 से 40 टेररिस्ट थे जो मारे गए थे इस कार्रवाई में। पाकिस्तानी सेना के सैनिक भी मारे गए थे, ये जानकारी मिल पाई थी इस वक्त भी।
तो ये बिल्कुल पुख्ता बात है और अभी भी ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने लॉन्च पैड बंद कर दिया। अब एक बार फिर से दो साल बाद हम देखते हैं कि लॉन्च पैड फिर से शुरू कर दिए हैं और वहां से घुसपैठ की कोशिश लगातार जारी है पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नीरज। हालांकि ये भी सच्चाई है कि एक बार फिर से यहां पर दहशतगर्द पहुंच चुके हैं। जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिन लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया गया था, एक बार फिर से यहां पर आतंकवादी इस ताक में बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और भारतीय सरहद में वो दाखिल हो जाएं एलओसी को पार करके। नीरज, लेकिन ये जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को उस वक्त अंजाम दिया गया था, भारतीय सेना की यह अद्भुत शौर्य गाथा है, बिल्कुल किसी को कानो कान भनक नहीं लगी और इतना बड़ा नुकसान पहुंचा था आतंकियों को। बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की किसी को पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार क्या हो रहा है। पाकिस्तानी सेना को कोई खबर नहीं लग पाई थी और इसीलिए जो ऑपरेशन है जो भारतीय सेना ने किया था 28 और 29 सितंबर 2016 की रात को किया था पाकिस्तानी सीमा में घुसकर एलओसी पार करके, ये अब भारतीय सेना की ही इतिहास में नहीं, ये दुनिया भर के सैन्य इतिहास में दर्ज हो गया है कि किस तरह से कितनी प्रिसिशन के साथ जो कमांडोज हैं खासतौर से भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स के कमांडोज पैरा एसएफ कमांडोज इतनी प्रिसिशन के साथ अपना ऑपरेशन अंजाम देते हैं कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगती। पाकिस्तानी सेना उनके आतंकी जो जो एलओसी पर ही रहते हैं हमेशा रहते हैं उनको कानो कान खबर ही नहीं लगी और 35 से 40 आतंकियों को एक साथ मार दिया गया 250 किलोमीटर के अंदर। बिल्कुल, जिस अंदाज में मारा गया और जिस तरह से ये पूरा प्लान बनाया गया था उसकी बहुत तारीफ भी हुई थी। और नीरज देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है, ये तस्वीरें जो अभी जारी की गई हैं एक लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी भारत सरकार की तरफ से कई आयोजन भी किए जा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के दो साल होने को लेकर। पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है 28 से 30 सितंबर को, वो सिर्फ इसीलिए मनाया जा रहा है कि देशवासी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना के जो सैनिक है उनके वीरता और पराक्रम को याद कर सके कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। क्योंकि बिल्कुल खतरा ये भी था कि पाकिस्तान की चौकियां बहुत करीब हैं, एलओसी पर हैं और बहुत सटी भी हैं कि उनको कहीं खबर ना लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और उसमें 7 ठिकाने थे 7 लॉन्च पैड थे 5 ठिकानों पर उनको तबाह कर दिया गया। तो शुक्रिया नीरज राजपूत इस जानकारी के लिए आपका। तो दो साल हो गए सर्जिकल स्ट्राइक को और ऐसे में एक बार फिर से आपके सामने वो वीडियो, वो तस्वीरें जो भारतीय सेना की बहादुरी की परिचायक हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।